स्वरूप कैसे हैं? ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योत जलाई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी प्रकाश पुंज, अनंत प्रकाशमान, दिव्य तेजोमय स्वरूप है। अब हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो उसी ज्योति स्वरूप परमेश्वर को ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ज्योतिर्लिंगम, लिंग माना आकृति, जो ज्योति की आकृति है। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसीलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर भारतवासी हिंदू धर्म वाले अपनी भावना को अर्पित कर सके, और नाम दे दिया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। गुणवाचक नाम है, मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा। किसी का नाम होगा त्रिलोक चंद, झोंपड़ा भी नहीं होगा, त्रिलोक चंद। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। शिव माना सदा कल्याण करने वाले, शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति, गुणवाचक नाम। और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है। द्वादश ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में जाते हैं तो अमरनाथ के रूप में उसकी प्रतिमा मिलती है। साउथ में जाते हैं तो रामेश्वरम के रूप में उसकी पूजा होती है। ईस्ट में चले जाओ तो काशी विश्वनाथ के रूप में होती है। वेस्ट में चले जाओ तो सोमनाथ के रूप में होती है। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में होती है। चारों ओर उसकी पूजा अवश्य होती है। और जितने भी मंदिरों के नाम हैं वो भी गुणवाचक, कर्तव्यवाचक, और सारे मंदिरों के नाम की एंडिंग या नाथ या ईश्वर में है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सभी शिव के मंदिर हैं। और आप सबको मालूम होगा कि शिव के मंदिर की जब स्थापना होती है तो उस समय ज्योतिर्लिंगम की प्रतिमा को दरवाजे से नहीं लाया जाता है। कहां से लाया जाता है? ऊपर का गुंबज नहीं लगाया जाता और ऊपर से प्रतिमा को उतारा जाता है और स्थापित किया जाता है। भक्ति में भी कितनी सुंदर यादगारें हैं। एक शिवलिंग की प्रतिमा को ही ऊपर से उतारा जाता है, बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को तो दरवाजे से ही लाते हैं, क्योंकि परमात्मा एक ही है। जो अवतरित होते हैं वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए भक्ति में भी ये यादगार है कि मंदिर में उस प्रतिमा को ऊपर से उतारा गया। उसी को ही कहा गया देवों का भी देव महादेव, कि जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। रामेश्वरम में श्री राम ने जिसकी पूजा की, अगर श्री राम भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया?
क्योंकि स्वयं श्री राम बहुत अच्छे से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वह ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहाँ से प्राप्त की थी? शिव भक्त था, महादेव की पूजा करते थे, तपस्या करता था, और वहां से वो शक्ति प्राप्त की थी। इसीलिए स्वयं श्री राम ने भी ये बात समझी कि रावण के पास महादेव की शक्ति है, अर्थात मुझे भी महादेव की शक्ति प्राप्त करनी होगी, तब उस पर विजयी हो सकूंगा। इसी तरह वृंदावन चले जाएं, जहां गोपेश्वर मंदिर मिलता है, कि बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर शिव की पूजा की थी, आराधना की थी। महाभारत के युद्ध के पहले भी यही दर्शाया जाता है कि श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की स्थानेश्वर मंदिर में, और उसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। और इसी तरह जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, ये देवियां कौन है? तो कहते हैं असुर संहारिणी शिव शक्तियां, कि जब इस संसार में असुर बढ़ गए तो शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया और असुर का संहार कराया। तो इसीलिए परमेश्वर को कहा जाता है देवों का भी देव, महादेव। परंतु यहां भारतवासी एक गलत फहमी में आ जाते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप आइडेंटिटी ही अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कर्तव्य ही अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ और शंकर के लिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है, एक भोलेनाथ है, एक प्रलयनाथ है, फिर एक कैसे हो सकता है? शंकर को हमेशा गृहस्थ धर्म में दिखाया, माँ पार्वती है, दो बच्चे हैं, और सभी मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, उसको ओम नमः शंकराय करके नहीं जपते हैं। भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि कभी नहीं कहेंगे। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, किसका ध्यान कर रहे हैं? कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने ध्यान किया, किसका ध्यान किया? कैलाश पर्वत यानी दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकृति में है, वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। अब शंकर को ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके, इसलिए इतने सालों तक उन्होंने ध्यान किया। ये तो हुई भारत वालों की बात, परंतु भारत से बाहर जाए इस्लाम धर्म में, तो मक्का में काबा का पवित्र पत्थर है, जिस पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहा जाता है कि मक्का में पहले 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी मतभेद हुआ कि ये सारे हमारे अल्लाह नहीं है क्या? उसने कहा अल्लाह एक है। उन्हें वहां से मदीना भेज दिया गया, फिर भी ये प्रचार जारी रहा। धीरे धीरे वो लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए। जब काफी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए तो पुनः मक्का आए, और कहा जाता है
कि उस समय काफी मतभेद हुआ और उस समय एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था। कौन इस पवित्र पत्थर की स्थापना करे, काफी उसको लेकर के भी मतभेद हुआ। तब कहा जाता उसी समय मोहम्मद पैगंबर साहब वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा कैसे, कौन रखे, आप क्या समझते हम में से कौन रखना चाहिए। और उस समय उन्होंने एक बड़ी चद्दर में चारों को कहा आप चारों कोनों को पकड़ो, और अपने हाथों से उन्होंने उस काबा के पवित्र पत्थर को बीच में रखा और स्थापित कर दिया। तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं होता है। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती हैं। हज में भी हर कोई नहीं जा सकते हैं, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाते हैं वो वहां जाने के बाद क्या करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं कि हे परवरदिगार, नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब तेज, प्रकाश, ज्योति, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, उन्होंने नूर कहा। बात एक ही है या अलग है? ज्योति माना भी प्रकाश, नूर माना भी प्रकाश, तो बात तो एक ही हो गई। और आगे जाए, क्रिश्चियन धर्म में, यहूदियों में कहा जाता है कि मोसेस जब माउंटेन पर गए, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले दो पत्थरों पर, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मोसेस ने कहा ये होवा, यानी द सुप्रीम लाइट। उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। जीसस ने भी कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए जब उन्हें क्रॉस पर चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी अपने अंतिम प्रार्थना में उन्होंने यही कहा कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन सिटी चले जाए, जहां सबसे बड़ा गिरजाघर है, उस चर्च के अंदर किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा की ही आकृति प्रकाश स्वरूप में मिलेगी, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत। कितनी सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। इसलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में दिखाए गए हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो यही कहते हैं सिद्ध शिलापति। आज भी जब जैनी लोग दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया, वह गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? सिद्ध शिलापति किसको कहा, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो कौन है? और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी अगर जापान चले जाए तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते हैं करनी का पवित्र पत्थर।
या चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी माना जो शांति का दाता है, और इसीलिए वो उनके सामने बैठ के मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और कहते हैं उनसे हमें शांति की ऊर्जा प्राप्त होती है, मन शांत हो जाता है। और आगे जाए पारसी धर्म में, कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। जो अखंड ज्योति स्वरूप है, तो सर्व धर्म मान्य कौन है? जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक, उन्होंने अपने आप को भगवान कभी नहीं कहा। तो हर धर्म में जो देवों का भी देव है वो एक ही तो है, जिसका कोई जन्म का समय, जन्म स्थान नहीं दिखाया गया है, जो अजन्मा है, अव्यक्त है, और इसीलिए उसको सर्वोच्च शक्ति मानी गई है। शिव के साथ एक शब्द जरूर जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है संसार में, जिसको उत्पन्न करने वाले या जन्म देने वाले कोई मात पिता नहीं है, जो सभी चक्रों से पर है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है। इसीलिए कहा मैं अजन्मा हूं, अकाल मूरत हूं, काल मुझे खा नहीं सकता है, अव्यक्त स्वरूप हूं, अकर्ता भोक्ता हूं। ये परमात्मा की महिमा में गाए हुए हैं, और फिर भी सर्वज्ञ है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती, अर्थात जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, और उसके पास सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का दर्शन कराने वाले। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात जो मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, त्रिनेत्री, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा, तो सत्यम शिवम सुंदरम। और इसीलिए ये तीन मूर्तियों का गायन भी हर धर्म में मिलेगा। हिंदू धर्म में जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, इस्लाम धर्म में जिसको जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं, जिब्राइल माना जो सबक देने वाले, मिकाइल माना जो रोजी रोटी देने वाले, पालना करने वाले, और इसराफिल जो कयामत ले आने वाले हैं। इसी तरह क्रिश्चियन धर्म में उसको थ्री होली गोस्ट या थ्री होली एंजल्स कहते हैं, और इसी को ही गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, तीनों मूर्तियों का गायन किया है। कहने का भावार्थ, ये तीन मूर्तियों का गायन भी हर धर्म में मिलेगा, और ये तीन मूर्तियों का भी जन्म नहीं दिखाया जाता है, उनकी भी उत्पत्ति है। और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कहा जाता है प्रकाश से उनकी उत्पत्ति होती है। तो परम प्रकाशमान वो परमेश्वर है जो सर्व गुणों में अनंत है,
इसीलिए ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन है इन्फिनिट, अनंत। और विज्ञान के अंदर सबसे सूक्ष्म अणु होता है, और नवे अध्याय में भगवान ने यही कहा, मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो अजन्मा स्वरूप हर धर्म में एक ही दर्शाया हुआ है। इसीलिए गीता के चौथे अध्याय में जब अर्जुन ने यह सवाल पूछा कि क्या यह उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो, यह सवाल किसके प्रति था? क्योंकि श्री कृष्ण को तो वो बहुत अच्छे से जानता था, बहुत नजदीक का संबंध था, अपना मित्र समझता था। और जब भगवान कहते नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है, मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त पुरुष हूं, मुझे कोई व्यक्ति का स्वरूप नहीं है। और श्री कृष्ण को तो स्वरूप था, व्यक्त स्वरूप था, जबकि परमात्मा कहते हैं मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, शाश्वत हूं, मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी किसी माता के गर्भ से मेरा जन्म नहीं होता है। श्री कृष्ण की तो मां थी, योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता। कितना सुंदर ढंग से भगवान अपना परिचय देते हैं। और तब अर्जुन का महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हे प्रभु, आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हो? तब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। और यहां अर्जुन को संबोधित करते हैं भारत, यानी ये संदेश परमात्मा का सभी भारतवासियों के लिए है कि हे भारत, जब जब, यदा यदा ही, जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं और स्वयं अवतरित होता हूं। यहां अवतरण से अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जब जब, तब तब, भावार्थ के हर युग में तो कहा ही नहीं है, जब जब, जब परम धर्म सनातन धर्म के प्रति हृदय ग्लानी से भर जाता है, परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानी से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। और फिर भगवान आगे कहते परित्राणायम साधुना, यानी परम साध्य किस लिए आते हैं? तो कहा परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न संसार में प्रवाहित करने हेतु, तथा दुष्कृत्य के कारक काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे आता हूं, ऐसे युगे युगे। अगर परमात्मा अधर्म का नाश और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं, और भगवान अगर द्वापर युग में आए हो और द्वापर युग में अधर्म का नाश किया हो और सनातन धर्म की स्थापना की हो, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आता है।
घोर अधर्म का युग आता है, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? सवाल उठता है। शास्त्रों की बात याद आती है कि जब कलयुग का समय हो जाता है आने का, उस वक्त कहा जाता है कि परीक्षित राजा का राज्य चल रहा था और कलयुग ने दस्तखत दी। परीक्षित राजा ने पूछा, कौन? तो कहा, मैं कलयुग हूं। राजा ने पूछा, क्या चाहते हो? तो कहा, आपके राज्य में थोड़ा सा स्थान चाहता हूं। परीक्षित राजा ने कहा कि नहीं, मैं अपने राज्य में तुम्हें स्थान नहीं दे सकता हूं, सारी शांति खत्म हो जाएगी। कलयुग कहता है, मेरा समय आ चुका है, आप स्थान नहीं देंगे तो भी मुझे आना ही है, इसीलिए आपसे स्थान मांग रहा हूं। परीक्षित राजा ने सोचा और कहा, ठीक है, तुम्हें मैं 3 स्थान देता हूं, वहां तुम्हें रहना है, वहां से बाहर नहीं निकलना है। कहा, ठीक है, बताइए। तो पहला स्थान दिया शराब खानों में। कहा, वहीं रहना, वहां से बाहर नहीं आना। कहा, ठीक है। दूसरा स्थान, कहा, जुए खाने में। वहीं रहना, वहां से बाहर नहीं आना। कहा, ठीक है। तीसरा स्थान, तो कहा, वैश्यालयों में। वहीं रहना, वहां से बाहर नहीं आना। कहा, ठीक है। फिर कलयुग ने कहा, एक और स्थान दे दीजिए। तो कहा, 3 स्थान दे दिए ना? कहा, नहीं, 1 स्थान और दे दीजिए। तो कहा, अभी और कौन सा स्थान दूं? तो उस समय कलयुग ने कहा, सुवर्ण में स्थान दे दो। और राजा ने कहा, ठीक है। और उसी वक्त राजा ने मुकुट पहना हुआ था सुवर्ण का, और कलयुग ने प्रवेश कर लिया सुवर्ण में और वहीं से बैठ करके दिमाग घुमाना शुरू किया। आज हर एक के दिमाग की रस्सी कलयुग के हाथ में है, और जिसको कहा था कि तुम शराब खाने, जुआ खाना, वैश्यालय तक सीमित रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना, लेकिन जब सुवर्ण में स्थान दिया तो घर घर के अंदर, हर एक के जीवन के अंदर कलयुग ने प्रवेश कर लिया। अगर द्वापर में गीता ज्ञान दिया हो और उसी समय द्वापर के अंत में गीता का ज्ञान दिया हो और उसके बाद तुरंत ही अगर कलयुग आया हो, तो क्या गीता के ज्ञान से ऐसे कलयुग की स्थापना हुई? फिर परम धर्म, सनातन धर्म कहाँ गए? तो यहां भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि द्वापर का अंत नहीं लेकिन कलयुग का अंत, कि जिस समय घोर अधर्म का समय था और उसी अधर्म के समय पर परमात्मा इस संसार में आए, अधर्म का नाश और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करके सतयुग की स्थापना की। तो ऐसे युगे युगे आए, यानी यहां युग का मतलब हर युग से नहीं है, लेकिन जब तामस गुण भरपूर हो, चारों ओर वैर विरोध हो, जब तामसी गुण ही कार्य करते हो और मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य हो, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकता, इस प्रकार युग धर्म का जब उतार चढ़ाव होता है, तब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। इसीलिए जो अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल कि आप कब और किन परिस्थितियों में आते हो, किस लिए आते हो, तब भगवान ने कहा, विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने हेतु आता हूं, अधर्म का नाश,
सत धर्म की, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु आता हूँ। तो वो कलयुग अंत में ही आना चाहिए। और फिर भगवान आगे कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य और अलौकिक है। पुनः उस बात को रिपीट किया यहाँ, क्योंकि शायद अर्जुन भी नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए भगवान पुनः उस बात को दोहराते हैं और कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, जो इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है। अब अर्जुन एक जिज्ञासा के साथ फिर पूछता है, फिर कौन उसे देख सकता है और समझ सकता है? तब परमात्मा कहते केवल तत्वदर्शी, यानी जो ज्ञान और तपस्या के द्वारा पवित्र बनते हैं और वितराग भय और क्रोध से मुक्त है, वे मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान ने स्पष्ट की कि जो ज्ञान और तपस्या के द्वारा पवित्र बनते हैं, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है। उस परम पवित्र परमात्मा को पहचानने के लिए पात्रता चाहिए, और वो पात्रता है पवित्रता। और जो वितराग भय और क्रोध से मुक्त है, वे मेरा साक्षात्कार कर सकता है, वो मुझे समझ सकता है और वही मेरा साक्षात्कार कर सकता है। कितना स्पष्ट भगवान कहते हैं। और अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए उसके संशय को दूर करते हैं।